हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है किस सरकार के द्वारा की है, ये बताना है। तो यह घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, और इस पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस सरकार ने घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है सुषमा स्वराज पुरस्कार की। इस विजेता को मिलेगा फिर प्रशस्ति पत्र प्लस 5 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है? तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? ठीक है, और टोटल लागत आई है आपकी 150.4 करोड़ रुपए। तो यह तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से थूथुकुड़ी में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। ठीक है, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। यह भारत का सबसे बड़ा और पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट है जो कि सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, स्कॉच रैंकिंग में बताना कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, ये पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और ओडिशा आपके तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे स्थान पर है और महाराष्ट्र आपका 5वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भी आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और लगातार 2 वर्ष आंध्र प्रदेश आपके पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, स्कॉच रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में भारत पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, 2022 में, लेकिन टोटल मेडल कितने जीते हैं ये बताना है। तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत 7 मेडल, ठीक है, जिनमें से आपके 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहले स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे ने 6 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा। इस टूर्नामेंट में लगभग 22 देशों ने मेडल जीते हैं। ठीक है, तो पहले स्थान पर भारत रहा, टोटल 7 मेडल जीते थे। नॉर्वे रहा दूसरे पोजिशन पर, उसने 6 मेडल जीते थे, और तीसरे स्थान पर आपके फ्रांस रहा और टोटल 22 देशों ने मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? ठीक है, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को किस सेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो उन्हें भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अति विशिष्ट सेवा मेडल से पुरस्कृत एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। उनके पास विभिन्न प्रकार के विमानों पर 5400 घंटे से अधिक दुर्घटना मुक्त उड़ान का अनुभव है। वह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक भी हैं। ठीक है, तो बी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो रफीक तरार आपके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रफीक तरार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1991 से 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वे वर्ष 1997 से 2000 की अवधि के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यू सुंग क्योल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, यू सुंग क्योल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है ये बताना है। ठीक है, तो उन्हें दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। यू सुंग क्योल को हाल ही में 2022 दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। वे 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे यू सुंग क्योल वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन का स्थान लेंगे। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और जो आपके वर्तमान है यू सुंग क्योल, ये किन की जगह लेंगे? ये राष्ट्रपति मून जे इन का स्थान लेंगे। ठीक है, और ये दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर टू सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, नूर टू सैन्य उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है। तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ईरान ने हाल ही में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा नूर टू सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। यह ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह है, जबकि अप्रैल 2020 में पहला नूर सैन्य उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नूर टू, ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ठीक है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को मंजूरी किसके द्वारा दी गई है ये बताना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह निगम लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, और पहली बार बजट में पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।